एक स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज किया कि सर फिजिक्स अभी तक नहीं किया है, बायो और केमिस्ट्री पूरी हो गई है, बता दीजिए क्या करूं लास्ट के 4 महीनों में। अब मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक नज़रिया देने की कोशिश कर रहा हूं। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने बिल्कुल फिजिक्स नहीं पढ़ी है, उन लोगों के लिए भी है जिनका सिलेबस कंप्लीशन चल रहा है, फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स हो गए या काफ़ी चैप्टर्स हो गए और बचे हुए चैप्टर्स बचे हैं। तो इसको एक बार देख लीजिए, आपको होपफुली नजरिया मिलेगा कि 90 डेज में फिजिक्स का प्लान क्या होना चाहिए। पहली चीज स्टेप वन ये है कि डिवाइड कर लीजिए सारे चैप्टर्स को, 28 चैप्टर एक जैसे नहीं है, आपको कुछ इजी कुछ मीडियम कुछ डिफिकल्ट लगते हैं और हर जने के लिए ये इजी मीडियम डिफिकल्ट जरूरी नहीं है सेम हो। तो ऐसे सोच लीजिए कि 28 चैप्टर हैं, उसमें से आपको लेट्स से 10 चैप्टर इजी लगते हैं, आपको 10 चैप्टर मीडियम लगते हैं, 8 चैप्टर डिफिकल्ट लगते हैं, है ना। सबसे पहले तो ये कर लीजिए और फिर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप इजी वाले चैप्टर करें, फिर मीडियम वाले करें और फिर डिफिकल्ट वाले करें। एकदम फैंटम बनने की कोशिश ना करें और सीधा डिफिकल्ट पे पहुंचेंगे तो इस समय पे आपको जो मोमेंटम चाहिए कि चलो गाड़ी तो आगे बढ़ना चालू हुई बायो और केमिस्ट्री के बियॉन्ड, तो उसके लिए इजी से स्टार्ट करना बेहतर है। और जरूरी नहीं है कि इजी एक लॉजिकल तरीके से, आपको बस जिसको देख के लगता है कि हाँ ये वाला चैप्टर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट इज गुड इनफ टू से कि चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस सीक्वेंस में चलेंगे, पहले 10, फिर ये 10 और फिर ये वाले 8। नेक्स्ट चीज ये है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से पहले, तो ऑब्वियसली आपने थ्योरी कर ली, आपको थ्योरी करनी है, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। अब ये एमसीक्यू प्रैक्टिस में जान निकलती है ना। तो इस एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए पहली स्टेप ये हुई कि सॉल्व एग्जांपल पढ़ लीजिए, हमने आपको अभी मैं दिखा देता हूं टारगेट बैच में एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज दिए हुए, है ना। इन चीजों को पढ़ लीजिए, करीब 30 क्वेश्चन के आसपास हैं। इससे आपको क्या होगा कि आपको सेंस आ जाएगा कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। चलो मैं एक बार दिखा देता हूं, तो कैसे होता है, जैसे आपके पास यदि टारगेट बैच वगैरह या जो कुछ भी आपके पास उसमें सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन में गए और क्वेश्चन में लेट से चैप्टर सेलेक्ट किया, आपको ईजी चैप्टर लगता है लेट से ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन में गए, है ना। तो यहाँ पे दुनिया भर के क्वेश्चन सेट आ जाते हैं, मैं इस वाले क्वेश्चन सेट की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व। जिन भी लोगों ने इस वाले फीचर को यूज किया है एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज, इनको पढ़ना है, यू हैव टू रीड देम, डोंट अटेम्प्ट। ये अटेम्प्ट करने के लिए नहीं है, यहाँ पे अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसकी बात हो रही है, ठीक है। एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व की मेन्यू, कोर्स कॉन्टेंट, क्वेश्चन और आपने चैप्टर सेलेक्ट कर लिया, इसको पढ़ लिया। सबसे पहले आपने इजी मीडियम डिफिकल्ट किया, उसके बाद आपने एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज इनको पढ़ लिया, इससे आपको सेंस आ गया। लेट्स से हम ग्रेविटेशन की बात करें। अब नेक्स्ट चीज गाइस क्या है, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहां पे। अब मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चालू करेंगे तो जितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते जाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाएगा। इसका मतलब है कि हो सकता है पहले 25 अटेम्प्ट करने के बाद आपका करेक्ट परसेंटेज 40% था, 50 अटेम्प्ट करने के बाद 25 से 50 में करेक्ट परसेंटेज हो सकता है 50% हो गया, 50 से 75, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हो सकता है 60% हो गया, 75 से 100, ये जो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हो सकता है इसमें 65% हो गया, यहाँ पे 70% हो गया और यहां पे लेट से 80% हो गया, ये जो लास्ट के है ना। तो जितने आप अटेम्प्ट करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ज्यादातर लोग इस जगह पे गिव अप मार देते हैं, मेरे से नहीं हो रहा, फिजिक्स बहुत मुश्किल है, बायो और केमिस्ट्री कर लेता हूं, फिर नहीं होगा गाइस। ये एक रियलिटी है कि नीट एग्जाम के अंदर फिजिक्स आएगा, तो फिजिक्स का ये रूल है कि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात बता दी। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा करो, 90 डे प्लान की बात हो रही है, ठीक है, 28 चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो मोटा मोटा ऐसे सोच लो कि 1 चैप्टर every 3 days, ठीक है, 50 day 1, 50 day 2, 50 day 3,
अटेम्प्ट कर लो, है ना। सुबह सुबह उठने के बाद सबसे पहले फिजिक्स का हिसाब कर लो। इससे पहले ऑब्वियसली आपने थ्योरी किया, जो भी आपको पढ़ना है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये थ्योरी यहां पे नहीं किया, पहले थ्योरी कर लिया और उसके बाद इस तरह से करते गए, है ना। यहां तक आते आप आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और उसके बाद जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे वो आप टेस्ट के अंदर करेंगे, ठीक है। पर मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूं, इजी मीडियम डिफिकल्ट, पहले आपने सॉल्व एग्जांपल पढ़ लिए और 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। देखो ये 150 क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, ये जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज है इनको पकड़ लीजिए, और एक मिनट के लिए यदि यहां पे 108 क्वेश्चन तो 108 ही कर लो, फैंटम ना बनो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास दुनिया भर के रिविजन के ऑप्शन हैं, आप इसमें पीवाईक्यूज कर सकते हैं, असर्शन एंड रीजन टाइप कर सकते हैं बाद में, पशु के अंदर ये वाला पोर्शन कर लो। लिमिटेड टाइम है, फोकस की जरूरत है, इधर उधर भागो मत। लिमिटेड टाइम है, फोकस की जरूरत है, इधर उधर भागो मत। पहले इसको रीड किया और उसके बाद इसे अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नीट एग्जाम तक आप क्या करेंगे, तो आपका चैप्टर जब आप ये 150 क्वेश्चन खत्म करते हैं तो हो गया, और आप देखेंगे कि यहां पे आते आते आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चालू हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि हाँ करेक्ट परसेंटेज मेरा इंप्रूव कर रहा है। मेरे हिसाब से 80% करेक्ट परसेंटेज होना चाहिए फिजिक्स के अंदर। 80% करेक्ट परसेंटेज का मतलब ये समझ लीजिए 45 में से 36 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है। इसका मतलब 45 क्वेश्चन आपके 45 नंबर आपके कट गए तो आपका 135 स्कोर आया फिजिक्स में, ठीक है। यदि आप 36 क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका 135 स्कोर आएगा फिजिक्स के अंदर। तो ये चीज टारगेट करनी है। अब होगा क्या कि जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, हो सकता है वो सारे 28 चैप्टर ना कर पाए, हो सकता है 16 कर पाए, 17 कर पाए, 18 कर पाए। तो गाइस मेरे पास तो है ना कोई जादू मंत्र है नहीं। यदि आप इतने कर पाएंगे इस रफ्तार पे मूव कर पाते हैं तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो आप जिस रफ्तार पे मूव कर पाते हैं, मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जो भी करें अच्छी तरह करें, ठीक है। और जो बचे हुए चैप्टर रह जाएं उनकी सी पीवाईक्यूज कर लें। आई एम सॉरी गाइस, मतलब है ना चीज ये समझ लीजिए कि इस वाले चैनल पे हम लोग आपको फालतू के वादे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हारी रगों में एम्स दिल्ली का खून बहने लगा, वो सब यहाँ पे नहीं बोल सकते, ठीक है। वी वॉन्ट टू मेंटेन दिस एज अ नो नॉनसेंस रियलिस्टिक चैनल, जहां पे आप आके प्रैक्टिकल आपको ऐसी चीजें मिल जाएं जो आप अप्लाई कर पाए, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा सिलेबस कंप्लीशन वाला पार्ट, इन द सेंस कि चैप्टर कंप्लीट हो गया, थ्योरी की उसके बाद इस तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। फाइनल चीज ये है कि कंटिन्यूसली आप नीट एग्जाम तक क्या करेंगे। अब क्या है, जहां पे भी आपको समझ रहा है थोड़े वीक एरिया लग रहे हैं, एक तो यह है कि जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं, ये जो मैंने 50-50 बताया, इसके बाद इनका सोल्यूशन जरूर देखना है जो भी रॉन्ग होते हैं, ठीक है। यदि आप सोल्यूशन नहीं देख रहे हैं तो सीख नहीं रहे। माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करिए। माइंडलेस एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करने का मतलब है जो भी गलत हुआ उसका वापस जाके सोल्यूशन देखा। यदि आपको थ्योरी वापस रेफर करनी है रेफर करिए, पर अच्छी तरह करिए, ठीक है। सोल्यूशन जरूर से देखना है, इसीलिए हमने अपने प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे क्वेश्चन है उसमें सोल्यूशन प्रोवाइड किए, क्योंकि आप सोल्यूशन नहीं देख रहे तो आप कुछ सीखे नहीं। जब आपसे कुछ गलती हो रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो सीखना जरूरी है। तो प्रैक्टिस किया, सोल्यूशन देखा, एब्जॉर्ब कर लीजिए मिस्टेक क्या है, और उसके बाद जब आपको समझ आता है कि आपके वीक एरियाज क्या हैं, उसके डीपीपी जनरेट कर लिए। ये वीक एरियाज आपको कहां कहां से पता चलेंगे, आप जब प्रैक्टिस करें तब पता चलेगा, और उसके अलावा आप जब हमारे टेस्ट लिखेंगे उससे आपको ये वीक एरियाज पता चलेंगे। तो ये गाइस, होपफुली इट मेक्स सेंस टू यू। मुझे वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ में आया। और ये वाला रूल आप फिजिकल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हालांकि रिडॉक्स में इतनी अब कुछ कैलकुलेशन नहीं बची, सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वो चीजें हैं जिनके अंदर पेन पेपर का उपयोग होता है, ठीक है। यदि आप सफिशियंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जैसे मैंने गोलों के थ्रू बताने की कोशिश किया, यू विल नॉट डेवलप कॉन्फिडेंस, पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 100% कॉन्फिडेंस आ भी जाएगा। तो बताइए क्या समझ में आया। मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा प्रैक्टिस करिए,
और प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, नीट प्रेप पे हमारा जबरदस्त फोकस एमसीक्यू प्रैक्टिस और टेस्टिंग पे है। लेट नहीं हुआ है, 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। अच्छी तरह प्रैक्टिस करिए, शांति से प्रैक्टिस करिए, टारगेट बैच का सीधा उठा लीजिए, रेकमेंडेड एमसीक्यूज एब्जॉर्ब बिफोर यू सॉल्व एमसीक्यूज पढ़ने के बाद उसे अटेम्प्ट कर लीजिए, यू विल गेट अ वेरी गुड फील। हमने बहुत मेहनत करके सारी चीजों को कवर करते हुए रेकमेंडेड एमसीक्यूज और बाकी क्वेश्चन सेट्स बनाए। तो गाइज दिस इज प्रीटी मच इट, 2 दिन बचे हैं इस साल को खत्म होने में, एक नया साल चालू होगा और वो नया साल आप में से काफी सारे लोग को डॉक्टर बनाएगा। गिव अप मत करिए, मेहनत करते रहिए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। और ये 90 डे का फिजिक्स प्लान मेरे हिसाब से हर जने के लिए एप्लीकेबल है, इसको फॉलो करना चालू करिए। और कुछ आपका कमेंट है, कुछ और जानना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों।